नारायणपुर कस्बे में 24 अगस्त को बाइक सवार 4 से 5 बदमाश किराना दुकानदार पर हमला कर रुपयों से भरा बैग लूट कर ले गए थे। लूटपाट और हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से रामलीला रंगमंच पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ग्रामीणों से मिले और पिछले 4 दिनों में पुलिस के आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर चिंता जताई। वहीं पूर्व मंत्री ने धरनास्थल से कोटपुतली बहरोड SP रंजिता शर्मा से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि हम मुजरिमों तक पहुंच गए हैं, हमें 2 दिन का समय और दिया जाए। SP ने पूर्व मंत्री शर्मा और ग्रामीणों को दुकानदार के साथ हुई घटना का जल्द ही खुलासा करने के लिए आश्वस्त किया है। इधर पूर्व मंत्री ने कहा कि अगले 2 दिन में पुलिस घटना का खुलासा नहीं करती है तो ग्रामीणों की एक कमेटी गठित कर जयपुर DG और IG से मिलकर किसी अन्य अधिकारी से जाँच कराएंगे। इनकार नहीं कर पाएंगे यहाँ की पुलिस, इसलिए हम जांच बदलाने के लिए जाएंगे और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारे उच्च अधिकारी जाबाज पुलिस अधिकारी के जरिए जांच सौंपेंगे और इस प्रकार हम अगर उस जांच का समय भी निर्धारित होना चाहिए और उस जांच के समय में नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन क्या रूप लेगा ये उस समय और वक्त बताएगा।